नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप EWS कैटेगरी में आते हो तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने फैसला किया है कि जो नीट का, यूजी का, पीजी का, डेंटल कॉलेजों का जो ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें दोस्तों EWS और OBC को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, OBC को 27%, इसकी मांग भी हो रही थी, और दोस्तों EWS को जो है 10% रिजर्वेशन नीट कोटा में जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चैनल पर जाइए, देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको मालूम चल जाएगा कि जो ऑल इंडिया कोटा क्या होता है। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए, अपने देश में जो है दो प्रकार के कॉलेज हैं, एक स्टेट के कॉलेज और दूसरे दोस्तों राज्यों के कॉलेज, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज। तो दोस्तों, जो स्टेट के कॉलेज होते हैं, 1986 से ये व्यवस्था शुरू की गई थी कि 15% ग्रेजुएशन की सीट और 50% पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट जो है केंद्र, राज्य सरकार केंद्र सरकार को देगी, और केंद्र सरकार उन सीटों पर जो उस स्टेट के अलावा किसी दूसरे राज्य के स्टूडेंटों को जो है वो सीट दी जा सकती हैं। पहले फ्रेंड्स ये कोटा था, ऑल इंडिया कोटा। अब दोस्तों उसके अंदर भी जो है रिजर्वेशन फिर 2007 से जो है SC ST के लिए आया, और फ्रेंड OBC रिजर्वेशन की भी उसमें मांग हो रही थी, और फ्रेंड्स फिर अब कल जो है OBC को भी 27% रिजर्वेशन और EWS को भी 10% रिजर्वेशन उसमें दे दिया गया है। इससे बताया जा रहा है दोस्तों हजारों स्टूडेंट को जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।